जैसा कि आपने अभी तक देखा अलग अलग कंट्री का स्टॉल और अलग अलग कंट्री से लोग क्या क्या लेके आए हैं, लेकिन अभी हमें एक इंडियन स्टॉल दिखा है जहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो हम जानेंगे इस हैंडीक्राफ्ट में इंडिया का स्पेशल क्या है और इनका मार्केटिंग कैसा चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? अनिल चौरसिया। कहाँ से हैं? हम अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी, ये स्टॉल अलीगढ़ यूपी का है? हाँ जी। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं क्या ये सारे हैंडमेड है? सारे हैंडमेड है, सब हैंडमेड है, ब्रास के हैं और हैंडमेड है। और यहाँ का मतलब जो हैंडमेड आप चीज़ें लेके आए इसमें से आपका सबसे स्पेशल क्या है? सबसे स्पेशल ये होता है हमारा राधा कृष्ण पेड़, ये ट्री मतलब मंदिर के साथ है, इसमें पूरी इनकी बचपन से लेके आखिरी तक लीलाएं बनी हुई है, ये सबसे बेस्ट पीस होता है। तो ये जो है राधा कृष्ण का मूर्ति, ये इस एग्जीबिशन का, इस स्टॉल का सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे स्पेशल है, क्योंकि इसमें मंदिर के साथ राधा कृष्ण बने हुए हैं। और ये जो आपको मंदिर का दीवार दिख रहा है इस पे बचपन से लेके कृष्ण का हर एक लीला को दर्शाया गया है, इसलिए इनको सब इसलिए ये सबसे खास है। अब आप यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, 3 साल हो गए। 3 साल? तो क्या 3 साल से आपको क्या लग रहा है कि इस बार का मार्केटिंग अच्छा था या पिछले 3 सालों का मार्केटिंग अच्छा था? नहीं, मार्केटिंग तो पिछला बेटर था, अभी क्या कोविड के चक्कर में लोगों का पैसा नहीं है या कुछ भी हो, बाकी अभी कस्टमर आ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और जिसको लेना है तो वो लेके जाएगा। इनका कहना है कि पिछले 3 साल से जो मार्केटिंग की वो ज़्यादा बेटर था इस साल के मुकाबले, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा मार्केटिंग में उतार चढ़ाव आ गए हैं। Thank you.
आपको दिखाते हैं यहाँ और क्या स्पेशल है, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों का सजने संवरने का शौक बहुत होता है और यहाँ हमें बहुत ऐसी चीज़ें यूनिक दिख रही है जो कि खास करके बस लड़कियों के लिए ही है। आपका नाम क्या हुआ? सैयद। कहाँ से हैं? लेबनान। लेबनान का स्पेशल यहाँ क्या है? पूरे हैंडमेड स्पेशल है और स्टोन लेबनानी के ब्रश ब्रश ऑल्सो ब्रश हैंड मेड डिज़ाइन लेबनानी का और ऑल्सो नेकलेस से ब्रश लेते ऑल ऑफ डिज़ाइन लेबनानी हैंड मेड ऑल्सो हैंड मेड डिज़ाइन विद स्टोन नेचुरल स्टोन। लेबनान का स्पेशल हम आपको बता दें कि हैंडमेड बनाया हुआ हर एक चीज़ है जो कि लेबनान का स्पेशलिटी है। खास चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ एक स्टॉल हमें दिखा है जो कि दुबई का स्टॉल है जो कि खास इत्र और परफ्यूम के लिए फेमस है। नाम क्या हुआ? नाम मोहम्मद शुएब। कहाँ से हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से। आपके स्टॉल पे मैंने दुबई जी दुबई का स्टॉल है, दुबई के हमारे ओनर हैं, उनका स्टॉल है, हम सेल्स बॉय हैं। आप सेल्स बॉय हैं, तो दुबई का सबसे स्पेशल इत्र या परफ्यूम कौन सा है यहाँ? सारे स्पेशल हैं, ये इत्र से हैं, ये बॉडी स्प्रे हैं, बाकी ये इत्र हैं एक्सपेंसिव रेंज के अंदर, ये सब इत्र सी। कितने से कितने रेंज का यहाँ इत्र आप बेचते हो? स्टार्टिंग प्राइस 200 है, मैक्सिमम प्राइस 3000। आप कब से यहाँ आ रहे हो बिहार में? अभी लगभग 4-5 साल से हम आ रहे हैं पटना में, बैक टू बैक शो चलते रहते हैं, अभी लास्ट ईयर भी आए थे हम, इस बार दोबारा। अच्छा, इस बार आप दोबारा आ रहे हैं, तो आप लास्ट ईयर से इस साल का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? तो स्टार्टिंग है, कल फर्स्ट डे था, सेकंड डे है, लेकिन स्टार्टअप से बेटर देन बेटर होता चले जाएगा जी। आगे मार्केट घुमाते हैं जिसमें एक हमें स्टॉल दिखा है जो कि ईरान का है। यहाँ पता करते हैं कि ईरान का स्पेशल क्या है और यहाँ का मार्केटिंग क्या चल रहा है, बिहार के लोग क्या ईरान की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? ईरान। ईरान। आई एम नो यू नो हिंदी। ओके ओके इट्स ओके। मेगा ट्रेड फेयर में अलग अलग कंट्री से लोग बिहार आए हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि बिहार के लोग अलग अलग देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन ये देखने लायक है कि बिहार में भी लोग अलग अलग देशों से अपने व्यापार को जमाने के लिए आते हैं। आई की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।